कल सुबह में रखा था सर कल रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं। आपकी इच्छा पर है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप कंफर्टेबल क्योंकि आपने आपका कार्यक्रम आया आज, अभी जल्दी कार्यक्रम है इसलिए तो मैं लेट ऐसा कोई है जो ट्राइबल लैंग्वेज उनका खत्म हो रही है, उनके म्यूजिक को उठाने की जरूरत है, तो मेरा भी काम होगा तो सुबह में हम लोग उसको। आपको कितने बजे बैठ हो रहे हैं हजारीबाग? कितने और कितने बजे स्टार्ट है? अभी निकलना होगा मुझे। ठीक है, आप निकलिए। अच्छा, क्या क्या प्रोग्राम करा लेंगे? तो जो जो है सर, हाँ, एक मैं हजारीबाग में हूँ, ये झारखंड में हजारीबाग है रांची के पास, और ये रांची एक्सप्रेस का ऑफिस है, और आज एक दिन के लिए मैं जैसे नायक फिल्म में आप लोगों ने देखा वैसे ही आज मैं ये एडिटर के चेयर पे मैं बैठ रही हूँ। गेस्ट एडिटर, हाँ गेस्ट एडिटर, लेकिन आज मेरा पावर है ना, बिल्कुल। और आज आप कौन सा न्यूज छपेगा कौन सा नहीं छपेगा ये मैं डिसाइड करूंगी, और मैं सब उलट पुलट करने वाली हूँ। जो न्यूज हमेशा पीछे जाता है आज मैं उसको एकदम आगे लाऊंगी। जल्दी सबको बुलाइए, सबको बुलाइए, प्रकाश जी है। सो न्यूज का कैसे डिसाइड होता है? हाँ, न्यूज का है। सो मैं किन की कुर्सी पे बैठी हूँ आज? ये सब जगह जाएंगे, खबर को आज रोका जा सकता है, बढ़िया से डिस्प्ले होगी। तो मतलब आपकी सोच पे निर्भर होता है कौन सा जाएगा, आप उसको हैंडल कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। बिल्कुल, वो खबर कौन सा स्पेस डिजाइन करती है, इंपॉर्टेंट है। हां, वो खबर क्या डिजाइन करती है, खबर के रिजल्ट बताएं। बस इसमें ऑनेस्टी होता है सबका? बिल्कुल होता है, जितना संभव हो पाता है, जितना संभव होता है। असंभव कहाँ होता है? असंभव होता है कई चीजें कि उस पर ठीक है खबर है, लेकिन उसके बारे में फैक्ट जो है वो हमारे पास अभी पर्याप्त नहीं आ पाए, प्रामाणिक नहीं है। हाँ, वो बहुत अधिक वो नहीं दिख पा रहा है, तो उस स्थिति में दिक्कत होती है ना। या उस पर जो हमारा ये पत्रकारिता का नियम है कि कोई भी अगर आरोप लग रहा है तो जिस पर आरोप लग रहा है उसका हर हाल में बयान, उसका पक्ष जरूर होना चाहिए, उसका पक्ष नहीं आ पाया है तो नहीं, अभी जरूर थोड़ा सा हम लोग रुके। ऐसा होता है हमेशा? बिल्कुल, मेरे साथ तो एज एन आर्टिस्ट बहुत बार नहीं हुआ है, मेरा पक्ष लिया नहीं गया बहुत बार, और बिना लिए ही उसको छापा गया बहुत बार। नहीं हो सकता आज आपका पसंद बदला बदला लेने वाली हूँ। कितने साल लग गए? कला है और मैं उसको प्लेबैक या नहीं रखती, मेरे
पिताजी असम में लोग गए रहे और वो विरासत में मिली ऐसे बोल सकते हैं आप। उसके बाद सामने जो भी आया मैंने उसको रिसीव किया, अलग अलग बोली और भाषा में मेरी दिलचस्पी है, मैं अब तक 30 भाषा में गा चुकी हूँ और भोजपुरी ऑफकोर्स प्रमुख है, लेकिन मैं भोजपुरी क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं असमिया हूँ, असम से। असम कहाँ से? मैं असम में बरपेटा रोड पैदाइश है और गुवाहाटी में मैं जोरहट में तिनसुकिया में मैं रहा हूँ बिल्कुल 5-6 साल। आई वाज इंडिया टुडे और मैं असम का जोरहट का मैं फैन हूँ। जोरहट का? जोरहट क्यों? वन ऑफ द स्पीशियस इलाका है वो, शांति प्रिय इलाका है जोरहट। और क्रांतिकारी भी है? क्रांतिकारी भी है, इतना बरुआ सब वही पैदा हुई। तिनसुकिया हुआ, शिवसागर हुआ, आई वाज सीन वेरी शिव टेम्पल देयर, वेरी नाइस। ओके कैरी ऑन। आसामी से अधिक भोजपुरी भाषा से प्यार का इनका इकरार करते हैं? हाँ, भोजपुरी से मुझे प्यार ज्यादा इसलिए है कि फिल्मी स्टाइल में अगर बोलूँ मैंने नमक खाया है। भोजपुरी ने मुझे वो सब कुछ दिया और उस दिन में आज उसको और अगर आगे मैं देखती हूँ वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखती हूँ। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रही हूँ अभी, ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ 4 अप्रैल को। वो बहुत बड़ा उपलब्धि है, जैसे आपने पूछा मेरी पैदाइश का कि असम की छोटी सी जिला है बरपेटा, वहाँ से निकल के आना गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर मुंबई, मुंबई से फिर मुंबई होते हुए फिर उत्तर प्रदेश बिहार और फिर बहुत सारी वो जो छोटी सी जगह से कल्पना निकली उसको जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में एक बहुत बड़ा जैसे उस पूरी जिंदगी जैसे मेरे सामने उस 15 मिनट में उस 20 मिनट में जो भी गाऊंगी वो सामने आ गया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को मैं बहुत ही उत्सुकता से देख रही हूँ। लोक संगीत को वो दर्जन नहीं मिल पाता है जो मुख्य रूप से कहें कि हिंदी फिल्मों को मिल पाया या दूसरी कुछ भाषाओं को, भोजपुरी को वो सम्मान या भोजपुरी की तरह कुछ और भी दबी हुई भाषाएं कहीं उनकी दलितों की तरह वो नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर इसको क्या करना है, कहाँ पहुँचाना है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो पता मुझे है। पॉपुलर इंडस्ट्री ऑफकोर्स इंडिया में बॉलीवुड है और कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हो या आसामीज इंडस्ट्री में भी हो, वो जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पॉपुलर है, वो द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि सिनेमा दिखता है और जो दिखता है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सो फोक म्यूजिक को एनकैश करके, आर्काइव करके वो मेन प्लेटफॉर्म में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पॉपुलर कैटेगरी से आती हूँ, मैं पॉपुलर आर्टिस्ट हूँ, मीन्स पॉपुलर म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ और उसके बाद मुझ में एक बहुत बड़ी ताकत है। आई थिंक उस ताकत को कहीं ना कहीं अगर मैं भूपेन हजारी को आज छोड़ दूँ या भिखारी ठाकुर को छोड़ दूँ, सो मैंने सही यूज़ नहीं किया अपनी पॉपुलरिटी का आई थिंक। तो हर कोई अगर चाहे वो हीरो हीरोइंस जो पॉपुलर सिंगर्स हैं, सिर्फ अपने जो एक छोटा सा एक दायरा बना के नहीं रह के उससे थोड़ा बाहर जाएंगे और वो लोग अगर करेंगे, हर कोई अगर काम करेगा तो ऑफकोर्स। एंड एक गलत फहमी है आपकी जो मैं नहीं मानती हूँ कि लोक संगीत का वो इंडिया में है। यू नो कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आया है, मैं ना तो सिफारिश के रस्ते जा रही हूँ ना तो इंडियन गवर्नमेंट की कोई ICCR ये सबसे नहीं जा रही, तो मेरे कामों को कोई देख रहा है, इंटरनेशनली देख रहा है, इंटरनेशनली देख रहा है, दैट मीन्स फोक इज इंटरनेशनल, वर्ल्ड म्यूजिक इज इंटरनेशनल, दिस इज वर्ल्ड म्यूजिक, जहाँ भाषा खत्म हो जाती है ओनली संगीत रह जाता है। तो मैं वर्ल्ड म्यूजिक परफॉर्म करने जा रही हूँ तो आई थिंक फोक इज इंटरनेशनल, उसकी कोई आज जो शिवामणि परफॉर्म करेंगे तो वो तो बादल एक परफॉर्म करेगा, बट शिवामणि इज ए ब्रांड, अपने आप को उसको उनको बनाया, उन्होंने उनको जो चाहा उन्होंने लाइफ में करने को उन्होंने किया, उसके पीछे मेहनत लगाई, उनका विजन था, एक दैट विजन इज इम्पॉर्टेंट, शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसमें सिर्फ ABCD या फिर मैं डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, विजडम सबसे ऊपर है ऑफकोर्स। भिखारी ठाकुर खुद भी बहुत शिक्षित नहीं थे लेकिन वाइज थे, बट फिर भी मास जो है विजडम की बात अगर नहीं करके आई थिंक शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है और उसको विजन को आगे ले जाने के लिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। हमारे मैक्सिमम जो भोजपुरी
कि आर्टिस्ट हैं, सब लोग गुस्सा हो जाएंगे जो वो लोग मेरे फैमिली हैं, लेकिन आई थिंक अध्ययन में उनको ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, जो गा रहे हैं सब लोग उनकी शिक्षा क्या है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर दो सवाल हैं, एक तो ये कि शिक्षा की आपने बात थोड़ी सही है, लेकिन ये देखा जाता है कि शिक्षित लोग भी अधिक पढ़े लिखे लोग लोक संगीत से अधिक दूर होते चले जाते हैं, लोक संगीत से दूर होने लगते हैं, लोक संगीत से तो आज की शिक्षा पैदा कर रही है। विजडम, वही मैं बोल रही हूँ, भिखारी नवल पति बहुत शिक्षित और डिग्री प्राप्त नहीं है, लेकिन विजडम था उन्हें, और विजडम तो ज्ञान तो सबसे आगे है, वो डिग्री की बात है, लेकिन शिक्षा तो अहिला है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो या जो भी हो, शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको वो एक आपका अस्त हो सकता है। हाँ, आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, जो शिक्षित वर्ग है वो भी एक आयरनी है। भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता के काफ़ी आरोप लगते हैं, और खुद भोजपुरी भाषी लोग या जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है वहाँ पर यह आरोप लगाया जाता है, भोजपुरी पर जो अश्लीलता का आरोप लगता है वो फिल्मों पर भी संगीत पर भी दोनों ही चीज़ों पर, यहाँ तक कि कुछ हद तक साहित्य पर, जो थोड़ा बहुत साहित्य उपलब्ध है भोजपुरी में। तो शुरू से ही मैं दो सवाल हमेशा सुनती आ रही हूँ, एक तो है अश्लीलता, दूसरा है संविधान में इसको मान्यता नहीं मिली, ये दो सवाल 16 साल से मैं सुन रही हूँ। बहुत कम लोग मिले, जर्नलिस्ट मिले, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा ये सवाल, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और जो ये सवाल पूछ देते हैं तो मुझे लगता है मतलब मैं इम्प्रेस नहीं होती उनसे, जो सवाल नहीं करते मैं उनसे इम्प्रेस होती, क्योंकि सब पूछ रहे हैं तो आप ही पूछ रहे हैं, और इस सवाल आपको नहीं बोल रही हूँ आपके बहाने, हाँ वही तो मैं ये बोल रही हूँ कि सवाल में ही है, आप तो सवाल के जवाब में नहीं है लक्ष्य, सवाल को एंजॉय कर रहे हैं, सवाल के लक्ष्य में ध्यान होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, पहली बात। दूसरी बात होता है भोजपुरी ज्यादा फिल्मों की बात है, उसको अटैक करना बंद कीजिए, क्योंकि ये जस्ट लाइक इसी तरह की बात है, आप बहुत कुछ लोग एक थोड़े ही कुछ लोग हैं, एक्चुअली आप अपने लाइफ में हो सकता है कुछ नहीं कर पाए, फ्रस्ट्रेटेड जो भी हो, और बातों में जैसे कहना चाहते हैं, पता है मैं कैसे देखती हूँ, मैं कल नहीं आपको सुनती हूँ, बहुत मैं पसंद करती हूँ, और उन्होंने कहीं बोला कि अगर मैं अपने देश को प्यार करता हूँ बिना पाकिस्तान का नाम लिए, मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब अभी की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को यूज किया जाता है, कि मैं अगर मेरे देश को प्यार करता हूँ इंडिया, तो पाकिस्तान को लाना ही है ताकि इंडिया सामने आए और मैं उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके अपना प्रेम को दिखाऊं, अभी मुझे भारतवर्ष को मैं प्रेम करता हूँ ये दिखाना है, लेकिन पाकिस्तान चलिए भूल जाइए, अब मैं कैसे इंडिया को एक्सप्रेस करूँ कि हाँ मैं मुझे देश प्रेम है, ये वही रवैया बहुत लोग अपना रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, कुछ नहीं कर पाए तो अब जो भी बोलना है आप भोजपुरी इंडस्ट्री को सामने ला देते हैं कि वो सक्सेसफुल है, वो जो भी है भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं चुटकी में आ गया, वो सक्सेसफुल है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, बहुत तरह के संघर्ष है उसमें, और बात बात पे आप अपने आप को अच्छा साबित, अपने आप को दीन साबित करने के लिए भोजपुरी फिल्म को आप रात साबित कर रहे हैं, ताकि अपने आप को आप दीन साबित कर पाए, चलिए उसको भूल जाइए, अब बोलिए आप क्या है, आप कौन है, आप क्या काम कर रहे हैं, तो जो लोग बोल रहे तो भोजपुरी फिल्म के साथ मैस ले रहे हैं एक्चुअली, इसकी जरूरत नहीं है, और अश्लीलता बोल के कोई ज्यादा संगीत की बात है, आई डोंट थिंक एनी अश्लीलता इन एनी सॉन्ग, कोई अश्लीलता है नहीं, अश्लीलता मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे प्यार या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर सेक्सुअल एक्सप्रेशन, एक बहुत बड़ा प्यार का एहसास है, वो एक पार्ट है हमारे लाइफ का, उसको एक्सप्रेस करने में, उसके बारे में बात करने में आपको अश्लीलता है, तो ये बहुत बड़ा बीमारी है यहाँ का आई थिंक। हाँ, वो अश्लीलता भी है जब घर घर में, जैसे मैं रोई, मेरे साथ देश रोया, बहुत सारी माएँ रोई होंगी, आई डोंट नो, 8 महीने की बच्ची को जब रेप किया गया उसके चाचा ने, और भारतीय संस्कृति संस्कार परंपरा तमाम शब्द मेरे सामने झूठा और नंगा हो गया, कौन सा संस्कार, हम संस्कारी हैं, सिर्फ साड़ी पहनने से बिंदी लेने से मैं संस्कारी नहीं हो जाती हूँ, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, अश्लीलता क्या है, तो मैं बलात्कार को अश्लीलता मानती हूँ, ऑफकोर्स किसी के राजी नहीं है कोई, आप पहले इसमें अब दो शरीर जब मिलता है वो कैसे अश्लीलता हो सकते हैं, वो तो फाइनेस्ट क्रिएशन है, लव है, फर्टिलिटी है, शिव और शक्ति एक साथ है, मैं उसको ऐसे देखती हूँ, तो मेरे लिए वो कोई अश्लीलता नहीं है हमारे संगीत में।
मीडिया ने लोक संगीत में कितनी अपनी भूमिका, रचनात्मक भूमिका या सही भूमिका निभाई, क्या मीडिया को इसमें करना चाहिए था, क्या भूमिका होनी चाहिए थी? इतना बड़ा सवाल ये है। मैं बहुत ही मतलब जजमेंट लेने लायक नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आप लोगों की जो मैं ऑनेस्टली से एक्सप्रेस करूंगी, संपादक हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ कि मैं मेरी ही बात कर पाऊंगी, किसी और की बात तो नहीं कर पाऊंगी। मैं जब एक चुम्मा लेला राजा जी, एक अनिस के पापा, भैरव जी के दिलिया, सैया जी दिलवा मांगेले, इन सबों को कुछ मीडिया के सपोर्ट की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है, अपने आप बनता गया वो, क्योंकि वो पॉपुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं खुद सोचने लगी मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगी, और मैं जब भूपेन हजारिका से प्रेरित होकर भिखारी ठाकुर तक पहुँचती हूँ, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर में चार साल मैं अध्ययन करती हूँ, खोजती हूँ ये क्या है। उसके बाद जब भिखारी ठाकुर 2012 में रिलीज करने के लिए मैं बिहार पहुँचती हूँ, पटना आती हूँ, आप लोगों से, बहुत लोगों से मैं कॉन्टेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस सब्जेक्ट को आगे लाने की मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। उस वक्त एक बिहार मीडिया से मैं हताश हुई, झारखंड मीडिया ने मुझे भयंकर सपोर्ट किया। झारखंड से मुझे बहुत इसलिए प्रेम है क्योंकि हमेशा मुझे झारखंड मीडिया में मुझे वो जो चिंताविद होते हैं ना वो दिखा यहाँ पे, और बहुत लोग सब लोगों ने यहाँ पे, तब ये भी थे एक तिवारी अंकल थे भाई जी भोजपुरिया, वो भी बहुत एक्टिव थे, सब लोगों ने कुल मिला के झारखंड में सपोर्ट किया, और तब बिहार थोड़ा सा ये था लास्ट। अभी अचानक 2017 में द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर अब प्रसिद्ध होता है, मतलब प्रसिद्ध भी क्या, उसको नेगेटिवली प्रसिद्ध किया जाता है, जो भी हो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बदनामी के बहाने अगर भिखारी ठाकुर जिंदा होते हैं आई एम वेरी हैप्पी। तो नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड। अब जो जिस तरह से जो भी किए, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर वापस आया, जिंदा हुए एक तरह से, भिखारी ठाकुर वापस जिंदा हो गए, इसको मैं एहसास कर सकती हूँ। तो इसमें मीडिया का हाथ है, किसी ने हंस के उसको झारखंड में किया, किसी ने नहीं करना चाह के उसको बदनाम करके किया, लेकिन किया। आप हमेशा चिंता जताती रही हैं जो आदिवासियों का संगीत है उसके लिए, यहाँ झारखंड में भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं और सबकी अपनी भाषाएं भी हैं, अपनी संस्कृति भी है, अपने संगीत भी है, और उनमें कई लुप्त प्राय भी हैं, ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि वो जिंदा बची रहे? आर्काइव करना होगा, वही मैं बोल रही हूँ, मैं आसाम में वही कर रही हूँ। हमारे आसाम भी जो है ना मिसिंग, देवरी, बोडो, अलग अलग ट्राइबल एलिमेंट्स है, ट्राइबल लोग सब लोग समूह मिल के असम है, असम मिनी इंडिया है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बोली है। और मैं असम से निकल के आती हूँ, बॉम्बे पहुँचती हूँ, भोजपुरी गायिका बनती हूँ, वापस आसाम जाती हूँ, ऐसे ही मीडिया मुझे सवाल किए थे 2011 में कि असम को कैसे भूल गए आप, असम के प्रति आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे बहुत अंदर मैं ये हो गई थी, और कुल मिला के पिछले 2012 से 2016 तक मैंने असम को बहुत समय दिया, भोजपुरी को थोड़ा मैं उस समय ध्यान कम ही दी हूँ मैं आफ्टर लेगेसी की कार्यक्रम, और करते करते मेरी भाषा है, मेरी ही बोली है, लेकिन मुझे पता लगा कि ब्रजावली एक भाषा है, जैसे संस्कृत भाषा है इंडिया में स्क्रिप्चुरल लैंग्वेज, असम की स्क्रिप्चुरल लैंग्वेज है ब्रजावली, जो मैथिली भाषा से प्रेरित है, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी आसाम की ब्रजावली मेरे बिहार की भाषा से प्रेरित है, तो मुझे वह कनेक्टिविटी मिला। और गुरु श्रीमंत शंकर देव और गुरु श्रीमंत माधव देव, उन लोगों ने 15th सेंचुरी में भक्ति आंदोलन की पहल की आसाम में और वैष्णव आंदोलन, तो बहुत सारे भजन रचे गए और नया एक नई भाषा की ये उत्पत्ति हुई ब्रजावली, लेकिन आज की जनरेशन को वो भाषा खत्म हो गई। और जो वहाँ के पॉपुलर सिंगर्स हैं वहाँ भी वही हाल है, ग्लैमर के पीछे ऐसा, तो मुझे लगा मुझे इसको करना है। चलेगा नहीं चलेगा ये सब सवाल मेरे सामने नहीं आता, जब भी मैं काम करती हूँ मुझे लगता है इस काम को करने की ज़रूरत है, तो मैं कोई एक फोर्स आता है कि करना है तो मैं की, और एक तरह की नया जागरण शुरू हुआ आसाम में, जो बायोब्रिज लोग हैं वो लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आज बहुत सारी लड़कियां बच्चियां अपने अपने, मैं हमेशा वीडियो में ये बात बोली हूँ कि कुछ नहीं करना है, अपने अपने जिला को देखो, तुम अब तुम क्या हो, कहाँ से हो, तुम्हारे परदादा कौन है, तुम्हारी भाषा क्या है, दादी नानी से सीखो, पूछो, वही करो, सब लोग अभी कर रहे हैं। तो देवरी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं गाऊंगी, देवरी ट्राइब के सॉन्ग्स, वही सब मैं जुटा रही हूँ, आर्काइव कर रही हूँ, तो काम करना होगा। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो अच्छा संगीत है
उसको ये बहुत अधिक बजट या बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हीट ऊपर जाता है बहुत सारा। जैसे यहाँ की लोक भाषा है नागपुरी, वो इसमें गीत आया था चल के गंगा गंगा नहर, वो शायद ही कोई ऐसा घर और कोई ऐसी बारात हो जिसमें वो गीत नहीं बज रहा है, जबकि कोई नहीं उसका क्या सिंपल ठीक है समझ में आ जाता है ध्यान से सुनने पर, लेकिन उस भाषा का वो गीत तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बिना बजट के बिना बहुत कुछ के अच्छा संगीत के नाम पर भी संगीत चल जाता है। हाँ, 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 नहीं वो आप बोल नहीं सकते, पब्लिक पास की बात बोल नहीं सकते। जैसे ए गणेश के पापा अचानक कोई असम से आती है, अचानक तीसरे स्टूडियो में विनय बिहारी कोई आते हैं और वो सुनते हैं कि कोई एक लड़की गा रही है राजस्थानी दूसरा स्टूडियो में, वो गुजरते हैं उनको आवाज सुनाई देते हैं, झांक के देखते हैं कौन है, मैं होती हूँ तो मुझे बुलाते हैं कल आपको भोजपुरी गाना गाना है, हमको पता नहीं कि क्या गाना है, तो वो गाना मैं गाती हूँ मुझे कुछ पता भी नहीं है, और वो गाना ऐसा हो जाता है कि मैं आज आपके सामने आफ्टर 15 इयर्स में भोजपुरी संगीत को डिस्कस कर रही हूँ, समझिए ना, तो ऐसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचा जो आर्काइवर की बात करते हैं सोचने समझने की कहाँ ले जाना है, वो सब तो चलते रहना चाहिए, उसके बीच में पॉपुलर वो निकलता रहेगा, काम होते जाना चाहिए उसके बीच में, अफकोर्स सॉन्ग्स ने बाकी खबरों के बीच मीडिया को अपनी भूमिका किस तरह से निभानी चाहिए, बाकी जो खबरें जिस तरह से अखबार छप रहे हैं या चैनल चल रहे हैं, तो मीडिया की भूमिका सभी खबरों को लेकर के कैसा कैसा रवैया अपनाना चाहिए, कहाँ इसे कितना सफल या कितना ऑनेस्टी नहीं रही, आई थिंक ऑनेस्टी नहीं रही, अभी इसके भी बहुत सारे कारण होंगे, ऑनेस्टी नहीं रही है मीडिया में, मीडिया में उस मीडिया में मैं भी हूँ, मतलब मीडिया में यहाँ मैं लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, नॉट ओनली लाइक प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया एक म्यूजिक भी मीडिया ही है, और मैं जिस पे विश्वास करती हूँ या आप जो मानते हैं दिल के अंदर जो क्या हमेशा वो लिखते हैं वो बात, आपको लगता है कि ये सच नहीं है लेकिन कोई ऐसा प्रेशर होता है कुछ तो होता है कि आपको घुमा के कुछ करना पड़ता है, उस जगह ऑनेस्टी उस जगह आप मर जाते हैं अंदर से, और वही एक्चुअली आपको चैलेंज देता है, वही आपका चैलेंज है, बाहर कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज अंदर है, और रात को अगर चैन की नींद सोना है जिसमें जागृत है वो ऑनेस्टी वो उसको निभा के चलता है, और ही इज द लाइक ही और शी इज द मीन्स जो ग्रेट या लेजेंड मैं बोलूंगी एक्चुअली वो हर क्षेत्र में नॉट ओनली इन इंडिया, तो आई थिंक मैंने पहले वो तो आप लोग ज्यादा समझते हैं यूथ, ये आरोप लगता है यूथ जो हमेशा हर चीज में उसकी सबसे बड़ी कुछ होती है, लेकिन लोक संगीत से यूथ ही अधिक कटता जा रहा है, कुछ जुड़े हुए हैं उसमें अधिकतर ट्रैक्टर चालक प्रायः देखते हैं कि वो बजाते नहीं जाते हैं, लेकिन जो खास कार्यक्रमों में या कुछ बाराती के गानों को छोड़ करके लोग शायद लोक संगीत के प्रति यूथ का उतना रुझान नहीं रहा, आप मैंने आप अपने हिसाब से मुझे जरूर नहीं कि मैं सही हूँ, मेरा आकलन हो सकता है कि गलत हो, नहीं बॉडी चेंज होता है ना, लाइक बॉडी मीन्स स्ट्रेसेस, जैसे लोक संगीत कैसे मरेगा उसके दिल में माँ है, वो जो भी जहाँ भी जाएगा वो विदेश में तो प्यारता होगा वो उसको माँ के हाथ का बना होगा, वो छक आएगा तो उसको ठेकुआ जरूर याद आएगा, मैं असम से हूँ मुझे कभी तो मैं रोऊंगी रोती हूँ माँ के लिए, वो एक क्षण आता है तो वो माँ है, वो लोक संगीत है, वो कभी नहीं मर सकता, वो कहीं पे घुसा हुआ है, लेकिन वो बात आता है जो प्रेजेंटेशन है आज मुझे क्या पसंद है, मैं उसी रूप से लोक संगीत को गाँव में मैं ढोलक और हारमोनियम के स्टाइल से हमेशा प्रेजेंट नहीं कर सकती, मैं क्यों कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हूँ वहां पे थोड़े में हारमोनियम मैं गाऊंगी मेरे लोक संगीत, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल मींस क्या, इंटरनेशनल में हाई फाई नहीं है कुछ, इंटरनेशनल में हो सकता है वहां की उस मेरे गीत के भिखारी ठाकुर के अगेंस्ट में ईरान का कोई सबसेट बजेगा, अफ्रीका का कुछ बजेगा, वो भी किसी का लोक संगीत ही है, तो ये पसंद है आज की जनरेशन को, वो आज की जनरेशन बहुत शार्प है, अब मैं हैरान हो जाऊंगी मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के साथ बहुत सारे बच्चे, कोई कम इंजीनियर है कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 21 साल 23 साल का लड़का लड़की सब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, पर्सनल कांटेक्ट में, वो मुझे बोलता है लड़का कि आपका सखी हो सैया की नगरी जाएगी पड़ी निर्मूल की बात पूछता है, आप सोचिए मैं भी सोचती हूँ कि मैं 21 साल में ऐसी थी क्या, आज का युवा इतना शार्प है और इतना अब जमीन से जुड़ा हुआ है वो, लेकिन उसको सपना देखना है आसमान छूना है अमेरिका जाना है सब करना है, लेकिन वो
है तो मैं यूथ के लिए मेरा ये नहीं है। कॉमनवेल्थ में आपका कौन सा सवाल है? कॉमनवेल्थ में आपका कौन सा गूंजेगा, कौन गीत है उसको बोल क्या? नहीं आई डोंट नो, हम जब 7 दिन के लिए प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त हम लोग टीम डिसाइड करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो लोक संगीत ही होगा, भोजपुरी एक जरूर होगा, और असम की जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उसमें बहुत इंटरेस्ट है वो लोग, तो देवरी मिसिंग।